जी बिस्मिल्लाह। खालिद, हाँ मैं बहुत बेसिक लेवल से शुरू किया था और बोलने का एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि पता नहीं था कि कहाँ से बोलना शुरू करना है। आया के पढ़ने से बोलना शुरू करना है या लिखने से बोलना शुरू करना है, क्योंकि पढ़ और लिख तो रहे थे लेकिन बोलना नहीं आता था कि बोलने के साथ कौन से एट्रीब्यूट्स लगेंगे तो बोलना आएगा। तो फिर जो है ना, थोड़ा सा मुझे बोलने सुनने का था तजर्बा कि मैं सिर्फ बीबीसी न्यूज़ सुनता था, लेकिन वो भी बहुत डीपली नहीं। लेकिन जब सर अकमल को ज्वाइन किया तो उनका एक स्टाइल कुछ इस लेवल की से था कि उन्होंने कहा था कि जो लिसनिंग है ना वो एट्रीब्यूट है स्पीकिंग के साथ। लिसनिंग जो है वो स्पीकिंग के साथ जो है ना डायरेक्टली एट्रीब्यूट करती है। तो जितनी आपकी लिसनिंग जो है पावरफुल होगी उतनी ही आपकी स्पीकिंग पावरफुल होगी। लिसनिंग में बहुत ज्यादा मतलब हमने कंसंट्रेशन की। उसमें ये है कि पहले तो मैंने जैसे बताया कि मैं सिर्फ खबरें ही सुन सकता था थोड़ी बहुत, लेकिन अब ये है कि अब मतलब सॉन्ग भी जो है ना बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही यानी कि जैसे कहते हैं ना कि बहुत हाई फाई लेवल का नहीं, लेकिन 70 से 80% तक समझ लग जाती है कि वो आगे सिंगर क्या कहना चाह रहा है। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट्री बड़े आराम से समझ लग जाती है, और फिर इंग्लिश जो है वो मूवीज जो है वो भी 70 से 80% तक उनकी भी समझ लग जाती है। ठीक है। तो इस लेवल से जो है जैसे वो लिसनिंग इम्प्रूव हुई उसकी तरह से जो है ना वो स्पीकिंग भी काफी हद तक वो उसपे वो ग्रिप हासिल होगी। बट आई थिंक इट इज अ गेम ऑफ प्रैक्टिस। द मोर यू स्पेंड टाइम द मोर यू हैव प्रैक्टिस ऑन इट द बेटर यू कैन बी एबल टू स्पीक वेल। आई थिंक दैट देर आर सो मैनी रीजन्स बिहाइंड पावर्टी इन पाकिस्तान। वी कैन सब हैड द रीजन्स ऑफ पाकिस्तान इन टू टू लेवल। द फर्स्ट वन आर माइक्रो लेवल रीजन्स एंड द सेकंड वन आर द मैक्रो लेवल। माइक्रो लेवल मीन्स स्मॉल लेवल रीजन्स ऑफ अनएम्प्लॉय पावर्टी इन पाकिस्तान। द फर्स्ट वन इज इग्नोरेंस। इग्नोरेंस ऑफ पीपल इज द चीफ काज ऑफ पावर्टी इन पाकिस्तान। There are some domestic obstacles of people that keep on acting and reacting upon one another in such a way that form a vicious circle of poverty around them. So I think that being a poor is not a bad sign, but remaining poor and for a long time is definitely a crime. So I think that the ignorance of people and lack of education in people is the main reason of unemployment in Pakistan. Then we can move towards the macro level reasons. The first one is the you can say that a lack of education. Our education system does not meet our requirements. Much attention is driven to general and liberal education. As we know that we are in developing economy and requires a skilled people's for removing or eradicating the poverty. But our educational system turns out a peculiar type of person who hates manual labor, who does not like to work who does not like to work manually. He is dreaming to live in a high society, but on ground he has no capacity to work. And the second one, we can say that overpopulation is the chief cause of poverty in Pakistan. The population of our country is increasing day by day, but resources are not increasing at the same level. I have no grip where to start and from how to start. As I joined you, you have pointed out that this is the way from where you can start, and you have provided us an atmosphere and polished us well, and all these things we learn from here.